नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज हिंदी डिजिटल। मैं हूं प्रियंका। बहराइच में योगी सरकार का बुलडोजर जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जी हां, 13 नवंबर को जिस तरह से बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा माँ की प्रतिमा को जब निकाला जा रहा था, जब यात्रा निकाली जा रही थी, उसके बाद जो बवाल हुआ, अब उसको लेकर योगी सरकार का बुलडोजर भी चलने को तैयार है। आपको बता दें कि महाराजगंज में 30 से 40 घरों को चिन्हित कर लिया गया है, जो कि अवैध तरीके से कब्जाए गए थे, और अब इन्हीं घरों के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर भी चलने को तैयार है। आपको बता दें कि कल ही गुरुवार को राजस्व और लोक निर्माण के अधिकारी महाराजगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने जांच पड़ताल की और लाल रंग के चिन्ह भी 30 से जो 40 घर हैं उन पर लगाए गए हैं, और ये वो घर हैं जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से ये अपील की है कि या तो वो खुद ही इन घरों को ध्वस्त कर दें, नहीं तो योगी सरकार का जब बुलडोजर आएगा तो इन घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बवाल के मुख्य आरोपी समेत 30 से 40 मकान अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर विभिन्न कस्बों में चौक चौराहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चलाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर ऐसे आसार लग रहे हैं कि प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान जो बवाल हुआ था उसको लेकर प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि अभी तक किसी भी अधिकारी की तरफ से ये बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दे कि जिस तरह से 13 नवंबर को महाराजगंज में जो बवाल हुआ था, उसके बाद अब सरकार किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वो चाहती यही है कि महाराजगंज में शांति बनी रहे, और जब हालात थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, तब हो सकता है योगी बाबा का बुलडोजर आपको महाराजगंज में चलता हुआ दिखाई दे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज के साथ। नमस्कार।